बिल्कुल पहले जैसे रवि दिख रहे हो। बस एक बात नहीं है, पहले तुम इतना मुस्कुराते नहीं थे, धीरे धीरे से बिल्कुल पहले जैसा रवि बना रहा है। बनाना जरूर बनाना, लेकिन ये जो नई बात देख रहे हो इसे मत मिटाना। आओ बेटे चले। अच्छा ताई, चरणामृत? हाँ। क्या हुआ बिटिया? बिटिया नहीं ताई, आप मुझे फिर से कजरी ही कहने लगी है। भगवान करे वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं फिर से अपनी दुनिया में लौट जाऊं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ना होने की ना, राम कसम। वेलकम रवि, आ गया हमारा बब्बर इस जंगल में फिर से राज करने के लिए। अरे हम तो बाहों का हार डालूंगा अपने जवाई बाबू के गले में। अच्छा सुना है कि ससुरा करण का बच्चा पकड़ा गया, मैं तो सीधा माता के मंदिर चला गया था माथा टेकने। चलिए अच्छा हुआ करण पकड़ा गया, छोड़ना नहीं जवाई बाबू, छोड़ना नहीं, सीधा फांसी पर लटका देना करण को इस बार। रवि बाबू, अपनी दादर वाली चाल का मामला एक बूढ़ा बूढ़ी की वजह से अटका हुआ है, एक झूठा केस ठोक के फेंक दो उन दोनों को। झूठा केस? ये लो और सुनो। अरे जवाई बाबू, ये लंबी लंबी गाड़ियाँ, ये बंगले, ये सानो सौकत, ये सब झूठा ही की बदौलत तो है ना। अरे भाई थोड़ा सांस लेने दो। रवि, ये हमारे होटल का मॉडल, ये उस मिल की जमीन पर बनना है जिसमें तुमने आग लगवाई थी। और ये है अपना सीफेस वाले बिल्डिंग का मॉडल जिसे आपने गिरवा दिया था। अफसोस वो पुरुषोत्तम नहीं रहा जिसका ये सपना था। ये टॉप फ्लोर का पेंट हाउस मेरा ही है ना? चीयर्स! रवि वर्मा। ये है नए म्युनिसिपल कमिश्नर, उस सत्य प्रकाश की जगह। और सुनो, उस ससुरे ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, हमने मारा ऐसे। हाय 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 हाय, अकेले बैठी हो? अरे ये यहाँ की बाइया, ये कोई गाना वाना गाती है? कसम से री, गाना तो तू गाती है कलेजा फाड़ के। चल आजा, आजा आजा गा ले इनके सामने, शर्मा मत, चल चल उठ। शाबाश। सुनो जी सुनो, आज इधर स्पेशल गाना होगा और ये गाएंगी हमारे जवाई बाबू के साथ में। गाले गाले शर्मा मत, चल शुरू हो जा। हाय 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 हाय, बड़ी गजब की एक्टिंग करती है रितु, फिल्मों में काम करेगी। हाँ, टॉप की हीरोइन बनवा दूंगा तुझे। सुभाष गई है ना, मेरा लंगोटिया यार है, मैं लगवा दूंगा तुझे। हाँ बस कलेजा ठंडा कर दे मेरा। अजा, how dare you touch my wife you bastard, I रुक जा रवि, leave me alone रवि, leave me यहाँ से। बोलो अपने आपको, किस हरामजादे ने मेरी बीवी को छुआ है? तो जा रवि, I'll kill you you bastard। अरे कैसी बीवी, जिसे तो अपनी बीवी समझ रहा है वो तो था। रवि बेटे, हम उसे देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ, हम उसका नक्शा बदल देंगे, तुम जाओ बेटे जाओ। उसने मारा तो मारा सिंघाल साहब, लेकिन आपने क्यों मारा? इसलिए बेवकूफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है, पहले वो ठीक हो जाए, अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए। उसके बाद कहेगा ना तो उस नाचने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे, जी भर के उसका नाच देखते रहना। समझा? चल चल।
नहीं काजल, बस काजल, ये तुम्हारा अपमान नहीं, मेरा अपमान किया उन लोगों ने। ये लोग अच्छे लोग नहीं है काजल, ये ना। ये तुम किस मुंह से कह रहे हो? तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। हाँ शायद हूँ। पता है वो करण मुझ पे क्यों गोली चलाना चाहता था? क्योंकि तुमने उसके ईमानदार बाप के दामन पर दाग लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। यही तो मैं बताना चाहता हूँ काजल, उस भले आदमी ने आत्महत्या नहीं की थी, इन्हीं लोगों ने जेल में उसकी जान ली थी। ये लोग ये बात अपने मुंह से कह रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, और मैं हमेशा उनका साथ देता रहा और तुमने मुझे कभी रोका नहीं। क्यों काजल, क्यों? हो सकता है मुझे पता ना हो, या हो सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हो और तुमने ना माना हो। हाँ, मुझे याद आया, रोका था तुमने। तुमने मुझे कहा था कि भगवान मेरे पापों की सजा तुम्हें दे, और वही हुआ। करण ने गोलियां मुझ पर चलाई और वो सारी की सारी तुमने अपने ऊपर झेल ली। हे भगवान, तूने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापस लौटा दिया। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। तुम किस लिए आए हो तुम यहां? माजी, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूं। माजी, मैं बहुत पछता रहा हूं, बहुत पछता रहा हूं। इस पछताने का कोई मतलब नहीं है। क्या होगा इससे? मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरा बहादुर फौजी बेटा हत्यारा बन गया। नहीं, अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे, मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे माफी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे सजा चाहिए, और भगवान के हाथों नहीं, तेरे हाथों। मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। मुझे कोई राह नहीं दिखाई देती माँ, और तू ही मुझे बता कि जब एक इंसान को एहसास हो कि उसने भूल की है और उस भूल का पछतावा करना चाहे, तो वो क्या करे? आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी। हाँ, सजा तो तुझे भी मिली है बेटा। मैंने अपने पति को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को। मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोकने की, पर उसके सर पर खून सवार था। गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था। मरण हो गया तुम्हारी पत्नी का। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जा बेटा जा। मैं कौन होती हूं किसी को सजा देने वाली।